हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो साइट है मैं आपके सामने ओपन करके रखा हूं, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जिनका सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, या हमें बात करूँ सहकारिता मंत्री अमित शाह के बारे में, जो कि 18 जुलाई 2023 को जो पोर्टल लॉन्च किए थे उसमें क्या क्या बोले थे, वो तो वीडियो आप लोग देखे ही होंगे। नहीं देखे हो तो बहुत सारे पोर्टल वीडियो मिल जाएंगे, देख सकते हैं। अब दोस्तों उसमें आप लोग के मन में बहुत बड़ा सवाल ये चल रहा है कि जिनके पास 10 लाख से ऊपर की पैसा है, या 1 लाख से ऊपर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी पैसा है, क्या उनको भी 10,000 रुपया ही मिलेंगे। पेपर में बना के रखा हूँ जहाँ पे सभी लोगों ने पूछा है कि अगर कितना भी बड़ा अमाउंट अगर आप भी आपके पास है तो क्या 10,000 रुपया आपके पास मिलेगा। तो जी हाँ, ये तो कन्फर्म है कि आपको पहले 10,000 रुपया दिया जाएगा, उसके बाद से ये आपको पूरा पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बात करेंगे तो 29 मार्च 2023 को कोर्ट ने क्या कहा था, और क्या कोर्ट ने कहा था कि क्या आपको अलग अलग करके ही पैसा देना चाहिए। और आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होगा, क्या हमें 10,000 रुपये दे के संतुष्टि कर देगी सरकार, संतुष्टि कर देगी। और मैं यहाँ पे बात करें तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास 1,07,00,000 जमाकर्ताओं ने जो भी क्लेम कर पाएंगे, आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता होगा, मतलब कि 10 लाख, मतलब जो भी आपके पास पैसा है, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख जो भी पैसा है, ये क्या इनको भी 10,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के अनुसार 1,07,00,000 मतलब सॉरी 1,07,00,000 यहाँ पे जमाकर्ताओं ने जो अभी क्लेम कर पाएंगे। आप लोग बता दो कि अमित शाह ने कहीं ना कहीं ये आपको पोर्टल लॉन्च होने के बाद ये कहा था कि आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के बारे में जो चारों सोसाइटी आपके सामने देखने को मिले, चाहे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हो, या सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल हो, या मैं बात करूँ हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, या स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की बात करें, तो इस चारों में क्या आपको बोला गया था, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग क्या आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग मन में सवाल जरूर आए, तो सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे मोस्ट सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला था कि आप 10,000 रुपये लोगों को दीजिए या नहीं दीजिए, या जो 5,000 करोड़ जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जमा हुआ है उसमें से आपको सभी लोगों को 10,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, ये तो तय है कि आपको 10,000 रुपये मिलेगा, लेकिन इसमें कोर्ट का पेपर आइए जहाँ देख लेते हैं कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा था। ठीक है, अब दोस्तों ये जो कोर्ट ने यही बोला था मैं आपको बता दूं, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार क्या बोला था, इसमें पेपर आपके सामने देखने को मिल जा रही होंगे। जो कि सबसे फर्स्ट में बात करें यहाँ प्रेजेंट एप्लीकेशन भेजनी आई एल जो कि 56/2023 बाई यूनियन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन अप्रूवमेंट डायरेक्शन ट्रांसफर अमाउंट 5,000 करोड़ अनऑथराइज अमाउंट 23,937 करोड़ लाइनिंग सहारा सेवी रिफंड अकाउंट टू डिस्टर्ब अगेंस्ट लेजिमेंट ड्यू डिपोजिट एंड सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब दोस्तों इसको बहुत लोग क्या है कि इसमें समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों कि बहुत लोग इसमें समझ नहीं पा रहे क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं है, तो मैं आप लोग को सिंपल भाषा में समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को हिंदी में आपको समझा सकूँ। चलिए यहाँ से गूगल ट्रांसलेट को मैं ओपन किया। बहुत लोग क्या करते हैं कि हमारे पे भरोसा कीजिए, हम उन पर भरोसा कीजिए कि हम ये सही बोल रहे हैं, बात सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, कोर्ट ने क्या कहा था मैंने आपको बता लिखा है। वर्तमान आवेदन आई है 2023 क्रमांक 36/56/308 राह पूर्वक के लिए भारत संघ निगम मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध धनराशि हस्तांतरित करने का निर्देश 5,000 करोड़ अभियुक्त रुपये राशि 23,937 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाते में पड़े हुए हैं। सहारा समूह जमाकर्ताओं को वैध बकाया राशि भुगतान किया जाएगा सहकारी समितियों के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका जो पूरा पैसा सहारा का जो है, पूरा जो पैसा है आपको जो सेविंग के पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार आपको 10,000 रुपया क्यों दे रही है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या, और आप लोग क्या इससे खुश है वो जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं सभी को मैं ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा नंबर पेज पर ये लिखा है विद्वान सॉलिटर जनरल श्री तुषार मेहता प्रस्तुत किया है कि ये कुल राशि सेविंग के पास यहाँ पे देख सकते हैं 24,979.67 करोड़ रुपया प्रयुक्त पड़े हैं। सारा सेविंग रिफंड खाता के अनुसार जमा किया गया इस न्यायालय के द्वारा जारी पूर्व निर्देश जमा होकर दिया जाएगा। उपरोक्त राशि सहारा इंडिया ने जमा किए हुए 15,569 करोड़ रुपये जो कि रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के लिमिटेड हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रुपया सहारा से 2,253 करोड़ रुपये निकाले गए थे। क्रेडिट कोऑपरेटिव के सोसाइटी लिमिटेड और सेविंग खाता में जमा की गई है। सहारा सेविंग रिफंड में खाता में पड़े कोषों पहले शामिल हैं और राशि उपरोक्त में जमाकर्ताओं के समूह सरकारी समिति लिमिटेड के द्वारा जमा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक और ऑप्शन आ रहा है जो कि आपको सामने यहाँ पे सबसे मोस्ट तो ये है कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ जो कोर्ट का आदेश है, यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला है, तो मैं आपको यहाँ पे कोर्ट के अनुसार आपको एक पेपर को बता रहा हूँ कि इस पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख सकते कोर्ट के अनुसार वर्तमान आवेदन मांगी प्रार्थना प्रतीत होगी कि जो व्यापक जनहित वास्तविक में लोगों हित में होगा, सहायक सहारा समूह सरकारी समितियों जमा करता है, इसलिए वर्तमान में आवेदन निम्नलिखित निर्देशों निस्तारित किया जाता है कि कुल राशि 24,979.67 करोड़ रुपये पड़े हैं।
जो कि सहारा सेविंग रिफंड खाते में पड़ा हुआ है, जिसमें 5,000 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि आपको वही 5,000 करोड़ में सभी लोग को 10-10 हज़ार करके सरकार आपको देने की जो कि प्लान बना रही है। ठीक है, अब आप लोग को मन में सवाल है, कहीं कहीं ना कहीं आपको बता दो कि यहाँ पे 15 लाख रुपया जो भी है, 10-15 लाख, 20 लाख जो भी आपका अकाउंट सहारा में फंसा हुआ है, क्या आपको भी 10,000 रुपये मिलेंगे? तो जी हाँ, आपको भी 10,000 रुपये मिलेंगे अप्लाई करने के बाद। वो भी दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या है सब कुछ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, इस न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति आर्य सुभाष रेड्डी, श्री गौरव अग्रवाल विद्वान अभिभुक्ता जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, 15 लाख प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा, जो कि इसमें जो जज हैं और जो इसमें जो वकील है गौरव अग्रवाल वकील, जो कि 5 लाख है, इसमें लोगों को भी पैसे यहाँ पे देने की इसमें जो कि प्लानिंग भी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये सब कुछ तो हो गया, तो यहाँ पे कहीं भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप सभी जनता जो सहारक निवेशक हैं उनको आप 10-10 हज़ार रुपया दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं बोला है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया कि आप सभी लोगों को 10,000 रुपया ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सरकार अपना कुछ प्लानिंग कर रही है, जहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे कुछ करने के लिए बने सरकार आप लोग को मतलब बता रही है कि 10,000 रुपया मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे नीचे करेंगे तो आप लिखा है कि देख पढ़ सकते हैं, देश में सरकारी आंदोलन सशक्त करने के सरकारी समिति सदस्य और अच्छा सरकारी मंत्रालय स्थापना की प्रस्ताव करने के पहले की है। इन पहले हिस्सों में सहारा समूह समितियों के लिए सदस्यों के जमाकर्ताओं ने वैध जमा राशि भुगतान शिकायत के मंत्रालय माननीय उच्च न्यायालय याचिका दायर, जिसपे उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 ने आदेश के माध्यम से सहारा समूह समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं के वैध का बकाया संवितरण के लिए सहारा सेंडी रिफंड खाता से 5,000 करोड़ रुपये सरकारी समितियों केंद्रीय सीआरसीएस को अंतरित करने का निर्देश दिया है, जहाँ सर्वाधिक पारदर्शित रित के उचित पहचान के जमाकर्ता पहचान जमा के साक्ष्य तथा दावों को प्रसाद प्रस्तुत सीधा मतलब संबंधित बैंकों के खाता में जमा कराया जाएगा। तदनुसार इस पोर्टल पर लिखा 4 समितियों को नामत है, जहाँ पे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रमाणिक जमाकर्ताओं को वैध दावों को प्रस्तुत करते करने हेतु के लिए मतलब यहाँ पे किया गया है। यह पोर्टल उपयोगकर्ता अनुकूल प्रभावित है और पारदर्शी है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ लिखा है कि इस वेबसाइट पे जाकर इस पे आपको आवेदन करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग को मैं यही बताते चल रहा हूँ कि जब भी फॉर्म भरिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आवेदन का जब भी आपका आवेदन अगर आज करें तो आज से 30 दिनों के बाद आपके भीतर समूह हमारा सरकारी समिति द्वारा आवेदन सत्यापन किया जाएगा और SMS द्वारा 15 दिन के भीतर अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के बाद 45 दिनों के भीतर आपको निर्णय सूचित कर दिया जाएगा। जमाकर्ताओं का अनुरोध है कि सभी 4 समितियों के संबंधित एक दावों को आवेदन पत्र संबंधित प्रस्तुत करें और केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज के दावों पर विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने में कोई शुल्क नहीं लगेगा। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर से इसे जाकर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं ये भी आप सभी लोग यही बता रहे हैं कि आप लोगों को जब भी आप अप्लाई करते हैं इसमें सहारा के रिलेटेड, जब भी आप अपने फार्म को अप्लाई करते हैं तो उससे जैसे आज अप्लाई करेंगे तो आज से 30 दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अगर अच्छा से हो जाता है तो आपको ठीक उससे 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में आपको इसमें से मालूम चल जाएगा कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग के जो मन में सवाल कहीं ना कहीं चल रहे थे कि जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 लाख जो भी आप लोग के मन में चल रहा है, तो क्या आप जो कि फार्म को फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि आपको 10,000 के लिए सहमत है या नहीं सहमत है, वो आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि सर हमें क्या ऑनलाइन फार्म भरना चाहिए, तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप हमसे पूछ के मत कीजिए। आप भी जो भी करना है अपने जो माइंड से, अपने दिमाग से और अपने विवेकशीलता से ही अपना फार्म को फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे पैसों का सवाल है। आप लोग को पता है कि सारा इंडिया ऐसे भी जाने वाली थी, लेकिन आपको पैसा मिल रहा है तो मैं बोलूंगा कि आप ले लीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप फार्म को फिल कीजिए, या ये नहीं बोलूंगा कि आप जाके मेरे बोले द्वारा जाके आप फार्म को फिल कीजिए। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आएगा, दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड जितनी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।